संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास जी। अरे संसद भवन के भीतर संसद देखिए टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए लगातार मनीष देखिए पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस पल्लवी जी प्लीज देखिए पल्लवी जी प्लीज एक जस्ट 30 सेकंड प्रॉमिस। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, मीडिया के तमाम साथी बंधुओं की कोशिश है कि वो भी दिखा। मैम प्लीज देखिए इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाए पेंट में लेकर जाए कैसे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में जब हम प्रेस एक मिनट रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज पल्लवी जी प्लीज सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं। बहरहाल देखिए टीवी 9 के कैमरे पर मनीष वाकई में बहुत गंभीर है जो आपने स्मोक बम दिखाया। और सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने जिस तरह से दर्शकों को वो स्मोक बम आपने जो हाथ में कैरी किया हुआ था ये कुछ भी हो सकता था, ये स्मोक बम था लेकिन इससे भी खतरनाक कुछ हो सकता था। अब बिल्कुल देखिए उसकी साइज देखिए आप उसकी साइज कितनी बड़ी थी। और मुझे लगता है कि मैं आपको फिर से दिखा दूं ये मेरा पार्लियामेंट का पास है, इस पास को लेकर जब मैं सदन के अंदर जाता हूं लोकसभा के अंदर